SBI के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आते हुए दिखे वो काफी पॉजिटिव थे और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी है. 739 ये टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 60% तक की अपसाइड अभी भी उनको SBI में दिख रही है. अब क्या है बयान उनकी तरफ से, सबसे पहले तो उनका यही कहना है कि जो पॉजिटिव मैक्रोज है, हाई फ्रीक्वेंसी मैक्रोज, वो उनको काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में जो SBI के लिए काफी अहम होते हैं लोन ग्रोथ के लिए, वो उनको पॉजिटिव लग रहे हैं. केवल एक अनिश्चितता बनती हुई दिख रही है जो कि कोविड है, आने वाले समय में उसका किस तरह से असर देखने मिलेगा वो फिलहाल अनिश्चितता बनती हुई दिख रही है. अगर उसको हटा दे तो सारे मैक्रो डेटा काफी पॉजिटिव है. दूसरी बड़ी बात, क्रेडिट ग्रोथ का जो गाइडेंस उन्होंने दिया था FY22 के लिए वो 10% पर जारी रखा है और उनका कहना है कि ये पूरा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो रिटेल के चलते आता हुआ दिखेगा, सबसे मजबूत आपको ग्रोथ देखने मिलेगी. और उसमें भी आप देखिए 14 से 15% के रिटेल ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और आने वाले समय में रिटेल ग्रोथ उससे भी ज्यादा मजबूत होने की बात की जा रही है. दूसरी बड़ी बात, कलेक्शन एफिशिएंसी काफी मजबूत है, इसके चलते भी काफी फायदा मिलता हुआ दिखेगा. और आखिर में योनो जो उनका फिनटेक है या फिर आप देखिए टेक्नोलॉजी रिवैम्प पर अब बैंक सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है और इसी के चलते यूनो पर सबसे ज्यादा जो एडिशंस हैं कस्टमर्स के वो होते हुए दिखेंगे. आखिर में गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि जो आरओएज हैं रिटर्न ऑन असेट्स वो 1.1 से 1.2% हो सकते हैं, जो कि काफी पॉजिटिव है और इसी के चलते वो इतने बड़े टारगेट्स दे रहे हैं 739 के. और यही नहीं, हाल ही में आप देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स को बढ़ाए थे. अगस्त में क्रेडिट स्विस ने अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 620 कर दिया था, अक्टूबर में नोमरा ने 630 तक के टारगेट्स दिए हैं और साथ ही नवंबर में देखिए मॉर्गन स्टैनली ने 680 तक के टारगेट्स दिए, लेकिन अब तक का सबसे हाईएस्ट टारगेट्स इनकी तरफ से आता हुआ दिखा है.